अब है पर तुझे बोलना और वो मेरे गले में ऐसे करेगी, मैं उसके गले में करूंगा, बस समझो शादी हो गई। ये आप लोग बैठिए, ठीक है बैठो भाई। अरे कोइला रे आज मोरे विवाह गीत हो जाए, कोइलरी आज मोरे पहिला बियाहवा में उती दाई उती कोइलरी आज मोरे पहिला बियाहवा में उती दाई उती कटौती तो डोलिया बनऊती हो, रामायण तो जय है रामायण तो जय है चारी के कान्हा तो डोली। अरे राम रे पुतौ रे रे अरे कौनी सहित अबिहवा ठान बाटो अब सुहाग रात मनौबो रे दिया। सुहाग रात मनाऊंगा, कमरे से बाहर निकलूंगा, तुम्हारा मुंह मीठा कराऊंगा। नहीं मुंह मीठा नहीं भाई, लसी अटा चटाय रे। क्या चाहते हो खाने में? हमका खवायो। जी मैं हूँ नहीं वो झारा बदकार, और अंगद मेरा नाम है आखे। सेनापत अंगद सिंह हमारे साथ धोखा। सूरपाल शरदू सिंह, मेरे हाथ की हथकड़ी खोली जाए। और ये बताओ मेरे पीछे डाकू ज्वाला सिंह लगा है, लेकिन ये बताओ मेरे पिताजी कहां पर हैं? तुम्हारे पिताजी वो तो हमारी जेल में है। किसने कैद किया? हमने कैद करवाया, हम और झाला सिंह। आखिर क्यों? क्यों देख नहीं रहे हो? क्यों? पिताजी को जेल से बाहर निकालता हूं। राजकुमार सरंग। हाँ पिताजी। अच्छा हुआ कि तेरी बर्दाश्त में जेल से बाहर हो गया, वरना तो मैं जेल के अंदर रहता।
लेकिन राजकुमार शरण आज कई दिनों से मेरा मस्तक सुना है, यह अवकाश पहले मेरे सर पर होगा। आ भंडरिया महाराज, नहीं महाराज ताज लेकर आप पिताजी का मस्तक सुना है। कई दिन से जेल के अंदर था, आज दरबार में पहुंचा तो महाराज बोल रहे ले अवतार, कई दिनों से मेरा मस्तक सुना है। इसी का नाम है ज्वाला। जगदीप सिंह हरम जादे, ये कोई बहादुरी का काम नहीं है, धोखे से कैद कर लिया और मेरा माला लूले हरामजादे। मालिक की वजह से मेरा हाथ तूने काटा था, तेरा सर भी काटूंगा, घबरा मत। साफ साफ बता तू कौन है, तेरा नाम ज्वाला है? हाँ मेरा नाम ज्वाला है, ये मेरी रियासत है जिस रियासत का तू राजा बना हुआ है। तुम्हारे साथ में और कोई है? मेरी माँ, मेरी माँ मेरे साथ में है, बहुत जल्द आएगी और तुम्हें सारा राज बताएंगी। इसका मतलब कि हमारे दुश्मन लोग सब इकट्ठे हो गए हैं। कहाँ है राई माँ? इंतजार कर, इंतजार कर, जगदीप सिंह मेरी माँ आती हो। गंगा जो तेरी जेल में है वो मेरा सगा भाई है। गंगा तुम्हारा सगा भाई है? हाँ मेरा सगा भाई है। मुझे विश्वास नहीं है, अगर महारानी होती तो सब कुछ बताती। हरम जादे मेरी माँ मैंने कह दिया आती होगी, अगर तुझे नहीं यकीन है तो बुला मेरे भाई गंगा को, बुला अभी सब पता चल जाएगा। गंगा 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 हाजिर क्यों गंगा तेरे को? गंगा देवी को हाजिर किया जाए, सिपाहियों भारत से काटूंगा सारे। Yeah.
मदीना यहाँ का जो राजा बना अपनी ही ये रियासत बताया उन्हें। दोनों को साइड लगा दो, मैं हाथ से मारूंगा, अपने हाथ नापाक नहीं करूंगा। क्यों? आज कई दिनों से मेरा सिर भूखा है, ये भूखे सिर को इन दोनों भाइयों की मांस को नोच नोच कर खाएगा। राजकुमार सिंह नंबर में बोलूंगा, तीन कहने पर शेर को छोड़ देना, दोनों की मांस को नोच नोच कर खा जाएगा। नंबर एक और नंबर दो और नंबर किसने मारा, किसने मारा मेरे भूखे शेर को? कहा गंगा ज्वाला इनके सगे लाल हैं, कौन महारानी? उर कर देखता तू है जगदीप, तू उर कर देखता तू है जगदीप, तू गंगा ज्वाला मेरे सगे लाल है, महारानी जी मुझे साफ साफ बताओ कि गंगा ज्वाला तुम्हारे सगे बेटे कैसे हैं? तुम ज्वाला को अपना बेटा मान रही हो? ज्वाला कैसे तुम्हारा बेटा है? जगदीप हरामजादे, जब झाला मुझे मारने के लिए लगा लेगा तब उस वक्त मैं गर्भवती थी ना? याद है, सच कह रही हो? वहां पर एक शेर निकला और शेर झाला पर झपटा और मैं भाग निकली, मैं जंगल में बेहोश हो गई। वहाँ पर एक महात्मा जी मिले, मुझे अपने धर्म की बेटी बनाकर अपने कुटी में ले गए, वहीं पर ज्वाला का जन्म हुआ। महारानी जी मैं मानता हूँ कि ज्वाला तुम्हारा सगा बेटा है, लेकिन इस गंगा दिनवा को अपना सगा बेटा कैसे मान रही हो? बाबा जी इसकी कहानी मैं बताऊंगा। महान भाव तुम कौन हो? मेरा नाम गोपी चंद, जय सवाल है। बहुत बढ़िया के बच्चे, तू क्या बताएगा बता? सुनो मेरी बात, आज के 20 वर्ष पहले मैं गंगा नदी में स्नान करने गया था, गंगा नदी के किनारे गंगा दीन को पाया था और जिस कपड़े में वो लपेट कर फेंका था वो कपड़ा अभी मेरे पास मौजूद है। मैंने वो कपड़ा रानी माँ को दिखाया है। क्या वो कपड़ा दिखाया है? हाँ लाओ लाओ उस कपड़े को, मैं भी पहचानता हूँ। ला रहा हूँ। कहाँ गया पनिया का बच्चा? महाराज भाग बिगड़ गया। भाग तो नहीं गया, कपड़ा वाले ले हैं हम लोग। ये रहा वो कपड़ा।